ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि कड़ी मेहनत आपको वहां जरूर पहुंचा देती है जहां किस्मत शायद आपको पहुंचा पाए। इसका मतलब यह है कि जब आप किस्मत पर निर्भर रहते हो तो शायद आप वहां पर पहुंच पाओगे जहां आपको पहुंचना है, लेकिन अगर आप कड़ी मेहनत करते हो तो 100% आप वहां पर पहुंच जाते हो जहां आपको पहुंचना है। इसलिए किस्मत पर रहना छोड़िए, कड़ी मेहनत कीजिए। इतनी मेहनत कीजिए कि किस्मत भी बोले यार इसको तो ये मिलना ही चाहिए। और जो कड़ी मेहनत करते हैं उसका किस्मत साथ भी देती है, उसका लक साथ भी देती है। लक क्या होता है? लक तब आपका साथ देता है जब आपने मेहनत की हुई हो, और फिर वो जो मेहनत आपने की हुई है अगर थोड़ी सी चीज के वजह से अगर वो चीज जा रही हो तो लक आपका साथ देता है। लेकिन लक को भी तो पता रहना चाहिए कि मेहनत इसने की है। अगर मेहनत ही नहीं की है, सिर्फ बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि यार ये हो जाना चाहिए, तो वो हो जाएगा लेकिन सपने में। रियलिटी में अगर करना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। रियलिटी में अगर करना है तो उठना पड़ेगा और उसके पीछे भागना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कोड जो है वो लॉन्च किया गया है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जो है कंबाइंड एग्ज़ाम के लिए, जो एमपीएससी की कंबाइंड एग्ज़ाम होती है उसके लिए कोर्स लॉन्च किया गया है। और इस कोर्स में आपको सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। टोटल 50 दिन का ये कोर्स रहने वाला है। कंबाइंड एग्ज़ाम मतलब पीएसआई एसटीआई एएसओ के लिए। अब इसमें आपको अलग अलग जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अगर आपको कोड ज्वाइन करना है तो रेफरल कोड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा MMBean, क्योंकि यहाँ पर लाइव सेशंस होने वाले हैं। लाइव सेशन में मैं भी यहाँ पर एक सेशन ले रहा हूँ करंट अफेयर्स का, जहाँ पर सारे करंट अफेयर जो है, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PDF सब आपको मिलेंगे, इंटरेक्टिव लेसन्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, डाउट्स आपके क्लियर हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल साइंस जो है उसका भी यहाँ पर आपको एक बैच नज़र आएगा। जनरल साइंस में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं तो ये भी आपका क्लियर कट लिया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो CSAT का पेपर है वो भी लिया जाएगा। तो CSAT का पेपर जो है, मतलब CSAT का जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो वो भी यहाँ पर कवर किए जाएंगे। मतलब ये काफ़ी हाई स्कोरिंग बैच है जिसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं कंबाइंड एग्ज़ाम में। तो अगर आपको क्लियर करना है तो जल्द से जल्द यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है वो लीजिए और इस बैच को ज्वाइन कीजिए। उसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है, रेफरल कोड MMBean। तो जल्द से जल्द MMBean ये कोड का इस्तेमाल करके आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और वीडियोज़ को एन्जॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 28 मार्च का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो माउंटेन्स है ये कौन से है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ साथ MM Academy नाम से आप सबके लिए एक सरप्राइज आने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर MM Academy नाम का जो पेज है फेसबुक पर और उसी के साथ साथ इंस्टाग्राम पर, उसे भी फॉलो करना है। तो जल्द से जल्द फॉलो कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। तो एक्सप्लेन सेक्शन अगर आप देखोगे तो इसमें RBI जो है उसने यहाँ पर जो विंडो ओपन की है उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे जो हमने कल भी देखी थी, जैसे RBI जो है उसने जो रेपो रेट के साथ क्या किया है, रिवर्स रेपो रेट के साथ क्या किया है, CRR के साथ क्या किया है। उसी के साथ साथ अगर किसी के ऊपर लोन है तो उसके रिगार्डिंग भी RBI ने क्या किया है उसके बारे में भी इस आर्टिकल में बात की गई है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वो होने वाला है, अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर मल्टीपल चैलेंजेस कौन कौन से आ रहे हैं बम्पर क्रॉप्स होने के बावजूद, तो इसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है, इसे भी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी देखेंगे कि ये अल्टरनेटिव मेडिसिंस है क्या वो कोरोना वायरस को क्योर कर सकती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एडिटोरियल पेज आइडियाज पेज अगर आप देखोगे तो कम्प्लीटली कोरोना वायरस जो है उसके बारे में बात की जा रही है। और देखिए, मैं आपको खासकर ये बोलना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस बहुत ही सीरियस बन चुका है। अगर आप USA में केसेस देखोगे, हम आगे देखेंगे ही, बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर आप ईरान देखोगे तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसीलिए
इंडिया, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इतने सारे केसेस एट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि इंडिया में जो टेस्टिंग है वो उतने तेज़ी से नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से केसेस इतने बाहर निकल कर नहीं आ पा रहे हैं। अब अगर आप रूरल एरिया में देखोगे, अगर वहाँ पर कोरोना वायरस जा चुका है तो वहाँ पर वो जो लोग हैं वो हॉस्पिटल जाने से भी थोड़ा कतराते हैं, हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से हम ट्रेस नहीं कर पाते हैं कि कोरोना वायरस वहाँ पर है या नहीं। अगर वहाँ पर है तो मोस्ट ऑफ द लोगों को ये कोरोना वायरस अफेक्ट हो रहा होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सतर्कता बरतनी ही पड़ेगी। लॉकडाउन की सिचुएशन में हमें घर पर रहना ही पड़ेगा। लॉकडाउन की जो सिचुएशन है इसमें सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज अगर छोड़े, एसेंशियल चीज़ें अगर छोड़े, तो आप घर से बाहर मत निकलिए। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि पैनिक बाइंग भी मत कीजिए, जिससे कि जो ज़रूरतमंद है उनके लिए वो जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर मौजूद रहे। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कम्प्लीटली जो कोरोना वायरस है उसके बारे में बात की जा रही है, जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अब यहाँ पर जो डैमेज है उसे मिनिमाइज़ किस तरीके से किया जाए, इसके बारे में थोड़ी बहुत बात की गई है, तो ये वाला आर्टिकल जो है हम देखने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि RBI ने क्या क्या यहाँ पर चेंजेस लाए हैं। RBI की जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है वो हर 2 महीने में एक बार बैठती है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने जल्दी यहाँ पर अपनी मीटिंग रख ली और उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए, जिससे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर स्ट्रांग हो सके। आप सभी को पता होगा, IMF ने भी कहा है कि यहाँ पर वर्ल्ड रिसेशन आ सकता है। तो ऐसे सिनारियों में क्या हम तैयार है या नहीं, इसकी भी बात यहाँ पर RBI गवर्नर जो है उनके द्वारा की गई। और उसी के साथ साथ अगर आप लोन भरते हो, हाउसिंग लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, कोई भी लोन अगर आप भरते हो तो उसमें भी RBI ने राहत दी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, यही हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, भारत में लॉकडाउन चल रहा है। अब लॉकडाउन की वजह से जो कंपनीज़ है वो ठप बैठी हुई है, उन्हें इनकम नहीं आ रही है, और जो भी जॉब कर रहे हैं उनके पास भी पैसा जो है वो काफ़ी कम आ रहा है। तो ऐसे सिनारियों में लिक्विडिटी क्राइसिस हो सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर जो राशन है वो भी घर में भरना है, आपकी अगर तबीयत ख़राब होती है तो उसमें भी आपके पैसे जाएंगे। अब ऐसे सिनारियों में अगर आप लोन भी पे करते हो, अगर आपके सर पर लोन भी है, तो फिर उसके बाद लोन की किस्त कैसे पे करोगे, ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो निकल कर आता है। अब यहाँ पर लोन से ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग उनकी हेल्थ प्रॉपर रखें, क्योंकि अगर हेल्थ प्रॉपर नहीं रखेंगे तो फिर कोरोना वायरस जो है उसे हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। और इसी के चलते RBI जो है उसने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग है वो पहले ही बुला ली। अब देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें 6 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। 3 RBI के तरफ से होते हैं इंक्लूडिंग गवर्नर, और 3 गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि RBI गवर्नर जो है वो एक अलग रहेंगे और फिर 3 RBI के मेंबर्स रहेंगे, ऐसा नहीं है। 3 RBI के मेंबर्स रहते हैं, मतलब एक जो है वो गवर्नर रहेंगे, दूसरे कोई भी मेंबर रहेंगे, तीसरे भी एक मेंबर रहेंगे। तो इस तरीके से 3 RBI के मेंबर रहेंगे और 3 यहाँ पर गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं। तो ऐसे टोटल 6 मेंबर्स हमें RBI मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में देखने को मिलते हैं। अब मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी अलग अलग निर्णय लेती है, जैसे कि जो बेंचमार्क इंटरेस्ट है वो फिक्स करना, जो रेट है RBI का वो फिक्स करना, इन्फ्लेशन टारगेट, उनका इन्फ्लेशन टारगेट है 4+-2, इसमें ही रखना, मतलब 2 से लेकर 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा की जाती है। अब ऐसे सिनारियों में अगर आप देखोगे तो RBI की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसने यहाँ पर वोट किया है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर कट किए जाए 75 बेसिस पॉइंट से। मतलब अब यहाँ पर रेपो रेट जो है वो यहाँ पर लाया गया है 4.4% पर, फ्रॉम 5.1%। इतना ही नहीं तो जो रिवर्स रेपो रेट है उसे भी रिड्यूस किया गया है 90 बेसिस पॉइंट से, मतलब वो भी आ गया है 4% पर। अब देखिए, ये यहाँ पर जो रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, क्या है ये मैंने आपको कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर हम रेपो रेट की बात करते हैं तो रेपो रेट मतलब होता है कि जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को पैसा लेंड करती है, पैसा देती है, तो उसे हम कहते हैं रेपो रेट। अब यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स को पैसा क्यों देती है RBI? जब कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा लोन प्रोवाइड करना हो, ज़्यादा अगर लोगों को पैसा देना हो, तो ऐसे सिनारियों में कमर्शियल बैंक के पास अगर शॉर्टफॉल होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो पैसा लेती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स को पैसा देती है उसे हम कहते हैं रेपो रेट। अब ये क्यों कम किया जाता है, जिससे कि कमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसा दे कम ब्याज दर पर, क्योंकि यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर 8% के ब्याज दर से, 8% के रेपो रेट से अगर कमर्शियल बैंक को पैसा दे, तो कमर्शियल बैंक जब आगे लोन में घुमाएगी तो इससे ज़्यादा ही रखेगी, 10% रखेगी।
ये अगर कम कर दिया जाता है या ये अगर 5% कर दिया जाता है तो ये भी कम कर देंगे, 8% कर देंगे। तो इससे अगर ये कम किया जाता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो परचेस करेंगे। तो जो इकोनॉमी हमारी चल रही है, जो कंजम्पशन शॉर्टफॉल की वजह से चल रही है ना, तो ये हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंटिन्यूसली अपने जो रेपो रेट है वो कम करती जा रही थी। तो ये होता है रेपो रेट। इसलिए यहाँ पर और ज़्यादा हमारा जो क्राइसिस है वो देखने को मिल रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है और अपने रेपो रेट जो है वो सबसे कम कर दिए हैं, जिसके तहत अब कमर्शियल बैंक्स और यहाँ पर ज़्यादा लोन प्रोवाइड करें लोगों को, जिससे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़े। इतना ही नहीं तो यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट जो है उसे भी कम कर दिया गया। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा करती है, जैसे हम हमारा पैसा अगर बैंक में जमा करते हैं तो बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट देती है, तो सेम उसी तरह कमर्शियल बैंक जो है वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा करते हैं, जिसकी इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्हें कुछ इंटरेस्ट देती है। अब कमर्शियल बैंक क्यों जमा करते हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के पास जितना भी पैसा आया है वो बेमतलब का अपने बैंक में नहीं रख सकती है। फॉर से अगर 1,000 रुपये कमर्शियल बैंक में जमा हो रहे हैं, डिपॉजिट जमा हो रहे हैं, तो इनका अगर लोन में सिर्फ 500 ही रुपये जा रहा है तो 500 रुपये तो इनके फुकट में पड़े हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, ये कुछ ना कुछ उस पर इंटरेस्ट आने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर देते हैं। अब यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देता है, फॉर से अगर 10% इंटरेस्ट रेट देता है, तो कमर्शियल बैंक लोन में घुमाने के बजाय RBI में जमा करेगी ना। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि ज़्यादा ज़्यादा पैसा ये लोन में देने के बजाय RBI में जमा करते हैं। यही अगर RBI जो है ये कर दे 2% इंटरेस्ट रेट, तो कमर्शियल बैंक्स क्या सोचेगी, यार 2% मिल रहा है, इससे अच्छा तो हम लोन में देते हैं, कम से कम लोगों को फ़ोन करो और लोन में पैसा दो। तो ये क्या होगा, इससे कि लोग जो कमर्शियल बैंक्स है वो डिसकरेज हो जाएगी RBI में जमा करने के लिए और ज़्यादा ज़्यादा लोन में प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी, जिससे कि लोगों के पास और ज़्यादा पैसा जाएगा कम ब्याज दर में। तो ये यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक जो है वो खेला गया RBI की तरफ से, जिससे कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा जाए, ऐसी उन्होंने सुविधा यहाँ पर की। इतना ही नहीं तो यहाँ पर CRR जो है वो भी यहाँ पर कम कर दिया गया। अब CRR क्या होता है, अब देखिए कोई अमाउंट अगर बैंक में आती है, फॉर एग्जांपल 1,000 बैंक में अगर डिपॉजिट जमा हो रहा है, तो अब पूरा ये लोन में नहीं घुमा सकती है बैंक, इसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर रखना पड़ता है। पहले था 4% जो है इसकी अमाउंट वो बैंक को अलग से कैश में निकाल कर रखनी पड़ेगी। अगर कोई फालतू के सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं, जैसे कि अगर कोई लोग जो है एकदम हड़बड़ी मच जाती है और लोग अपने पैसे बैंक से निकालने चल जाते हैं, तो बैंक के पास भी पैसा रहना चाहिए, तो इसलिए कुछ परसेंट जो है 4% ये कैश में अलग से निकाल कर रखना पड़ता है और बाकी का जो हिस्सा है वो आप लोन में घुमा सकते हो। तो अब ऐसे सिनेरियो में क्या किया गया कि यहाँ पर 4% का 3% कर दिया गया, जिससे कि अब ज़्यादा पैसा बैंक लोन में प्रोवाइड कर पाएगी। अब ये क्यों किया गया है ये भी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, बैंक ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेगी और लोग जो है उनके पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, जिससे कि वो सामान जो है अपनी चीज़ें जो है वो खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर और क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ RBI की तरफ से की गई। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा था, लॉकडाउन की वजह से कंपनियाँ जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उसी के साथ साथ जो इंडिविजुअल्स हैं उनके हाथ में भी पैसा कम आ रहा है और जितना ही पैसा है उन्हें वो ज़रूरत है, कि ये तबियत खराब हो जाए तो फिर कहाँ खर्च करेंगे, तो इसलिए उन्हें ज़रूरत है। तो ऐसे सिनेरियो में अगर उन पर लोन है तो कैसे पे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये तो बोल ही रहे हैं कि हमको किस्त भरनी है पर लॉकडाउन है ना, तो कैसे भरें हमको बताओ थोड़ा सा। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमिट कर दिया है बैंक्स को कि वो मोरेटोरियम क्या मतलब क्या होता है, माफ़ी दे देना। माफ़ी मतलब क्या होता है कि चलो आप अलाउ कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो यहाँ पर 3 महीने के लिए जो पेमेंट है इंस्टॉलमेंट्स का उससे माफ़ी दी जा रही है। मतलब कि जो 3 महीना अभी आगे का आने वाला है इसमें आपको जो भी किस्त भरना है वो अगर आप चाहो तो आप नहीं भी भर सकते हो। और यहाँ पर खास बात यह है कि जो टेनियर है लोन्स का वो भी यहाँ पर फर्दर कर दिया जाएगा। मतलब अगर आपका 12 महीने का है, ठीक है, 12 महीने का अगर आपको लोन भरना है तो यहाँ पर ये 3 महीने अगर आप नहीं भर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि फिर 12 ही महीने, फिर ये भी 3 महीने यहाँ पर एक्सटेंड हो जाएंगे, है ना। मतलब ये 3 महीने आप समझ लीजिए कि आपने लोन लिया ही नहीं, इस तरीके से 3 महीने आपके जाने वाले हैं अगर आप चाहो तो। अब यहाँ पर डिसीजन जो है रिस्केड्यूलिंग ऑफ होम और ऑटो और बाकी की जो लोन्स है वो फाइनली यहाँ पर बैंक्स के द्वारा लिया जाएगा, इंडिविजुअल के बैंक्स के द्वारा, और उनसे वो कन्वे किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये लोन वेवर नहीं है, मतलब यहाँ पर जो लोन है पूरी तरीके से माफ़ी नहीं दी जा रही है कि आपके ऊपर होम लोन है, हाँ आप पैसा ही मत दो, आपका लोन देने, अरे आपकी लोन देने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ये लोन वेवर नहीं है, ना ही कोई डिस्काउंट है इंटरेस्ट पे आउट पर, ये सिर्फ आपको मोहलत दी जा रही है कि आपको 3 महीने आपके पास पैसों की बहुत ज़रूरत है, 3 महीने आपके पास पैसा रहना चाहिए, इसलिए लोन में फालतू खर्च मत कीजिए, इसीलिए आप 3 महीना जो है वो लोन पे मत कीजिए।
अब देखिए यहाँ पर बेनिफिट कौन कौन उठा सकता है, तो जो इंडिविजुअल्स है, जो कंपनीज है जिन्होंने टर्म लोन यहाँ पर अवेल किया है, जिनके सर पर भी लोन है, उसी के साथ साथ मेरेटोरियम फैसिलिटी जो है ये अवेलेबल है, जो कि कमर्शियल बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हो, जिसमें रीजनल रूरल बैंक भी आते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आते हैं, लोकल एरिया बैंक भी आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक भी आते हैं, जितने भी बैंक्स हैं, अगर वहाँ से लोन लिया गया है तो यहाँ पर आपको जो मोरेटोरियम है वो दिया जाएगा 3 महीने का, मतलब 3 महीने तक आपको लोन पे नहीं करना है, भले ही आपने कहीं से भी लोन लिया हो। अब देखिए यहाँ पर मोरेटोरियम क्या क्या कवर करता है, तो इसमें दोनों प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों जो है दोनों यहाँ पर कवर किए जाते हैं, ठीक है, दोनों यहाँ पर कवर किए जाने वाले हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट देना है या फिर सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, दोनों यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं, दोनों आपको 3 महीने के लिए पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बाद जैसा आपका नॉर्मली चल रहा था 3 महीने के बाद वैसा ही चलता रहेगा। अब देखिए कस्टमर जो है उनको क्या बेनिफिट होगा, तो कस्टमर्स अगर फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर है, अगर उसे तीन महीने तक यहाँ पर जो लोन है उसकी किस्त नहीं भरी, तो उसका जो पैसा है वो एनपीए में चला जाता है, एनपीए में चला गया तो फिर उसकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाती है, सिविल खराब हो जाता है। अब ऐसे सिनारियो में जब आप यहाँ पर 3 महीने तक इंटरेस्ट पे नहीं करोगे, किस्त पे नहीं करोगे, तो वो पैसा एनपीए में नहीं जाएगा, वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को भी अफेक्ट नहीं करेगा, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ से देखने को मिलती है। इससे क्या होगा, इससे कस्टमर जो है वो तो खुश हो जाएंगे, अब पे करना ही नहीं पड़ेगा ना 3 महीने के लिए, मतलब अब यहाँ पर आप आपके जो पैसे हैं वो जमा करके रख सकते हो अगर अनफोर्सिन कोई कंडीशन आती है उसके लिए। अब बैंक से अगर हम बात करते हैं तो उनका कैश फ्लो काफ़ी अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्हें 3 महीने के लिए जो रीपेमेंट आने वाली थी अब वो नहीं आएगी, तो वो नहीं आएगी तो फिर बैंक लोन में कैसा पैसा घुमाएगा, तो इसके लिए यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो जो है उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो कम कर दी गई। जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था कि 4% पहला था, अब 3% कर दिया गया है, जिससे कि बैंक के पास ज़्यादा लिक्विडिटी आ जाए, ज़्यादा लिक्विडिटी आएगी तो बैंक ज़्यादा लोन में पैसा दे पाएगी। अब आपको समझ में आया क्यों RBI ने, मैंने जैसे आपको कहा था कि आगे हम देखेंगे क्यों यहाँ पर कम किया गया है, तो यहाँ पर हमें उसका रीज़न जो है वो देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ RBI गवर्नर ने यह भी कहा है कि जब 2008 में क्राइसिस आए थे उस टाइम पर हमारी जो स्टेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन एट प्रेजेंट अगर क्राइसिस आते भी है तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बोलिए हमारी जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए किसी को भी यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा सिनारियो समझ में आ गया होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनके सर पर भी लोन है उनके लिए, तो जल्द से जल्द आप शेयर कीजिए दूसरों को भी। आइए यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है कोरोना वायरस के अगेंस्ट में काम कर सकती है। अब देखिए अगर हम कोरोना वायरस को ट्रैक करते हैं तो केसेस आप देखिए पूरी दुनिया भर में कितना तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आप चाइना देखिए, आप इटली देखिए, आप USA देखिए, मतलब USA को तो हम कब से ट्रैक कर रहे हैं यार, जब से 32,000 केसेस थी तब से ट्रैक कर रहे हैं, और देखिए हमें ट्रैक करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब 5-6 दिन हुए होंगे, उसमें आप देखिए कितने तेज़ी से कोरोना वायरस जो है वो स्प्रेड हो गया है USA में। आप देखिए अगर आप स्पेन में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा फैल गया है, स्विट्ज़रलैंड में आप देखिए काफ़ी ज़्यादा फैल गया है, ईरान में काफ़ी ज़्यादा फैल गया है, UK में तो बोरिस जॉनसन को भी कोरोना वायरस हो गया है, जर्मनी आप देखोगे वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फैल गया है, टोटल कंफर्म केसेस अब 6 लाख के ऊपर जाने की कगार पर है, और डेथ काउंट जो है वो भी यहाँ पर 26,000 के ऊपर चले गए हैं। वही अगर आप इंडिया देखते हो, इंडिया में एट प्रेजेंट 724 केसेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए पिछले 2 दिनों का जो लॉकडाउन पीरियड था उसमें सिर्फ हमने 2000 सैंपल जो है वो यहाँ पर टेस्ट किए हैं, अब इतने ही अगर आप सैंपल करते रहेंगे तो फिर 21 दिन का लॉकडाउन पीरियड भी कम पड़ेगा, हमें यहाँ पर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप करना पड़ेगा, ज़्यादा केसेस यहाँ पर हमें देखने पड़ेंगे, काफ़ी ज़रूरत है। महाराष्ट्र 130 के ऊपर पहुँच गया है और केरला ने महाराष्ट्र को भी ओवरटेक कर लिया है, केरला जो है वो पीछे था महाराष्ट्र के लेकिन अब ओवरटेक कर लिया है, 137 केसेस हमें केरला में देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मल्टीपल एडवाइजरीज जो है वो आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से दी जा रही है कोरोना वायरस 19 पर, मतलब यहाँ पर काफ़ी रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, जिसमें यूनानी जो शरबत है वो बताया जा रहा है, जो तर्यक है अरबा वो बताया जा रहा है, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो बताई जा रही है, मगर फिर भी यहाँ पर ये सचमुच इफेक्टिव है या नहीं ये हम कन्फर्म नहीं कह सकते हैं। आप देख सकते हो WHO के द्वारा क्या बोला गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि व्हाइल सम वेस्टर्न ट्रेडिशनल और होम रेमेडीज मे प्रोवाइड कंफर्ट एंड एलिवेट सिम्टम्स ऑफ COVID-19 देयर इज नो एविडेंस दैट करंट मेडिसिन कैन प्रिवेंट और क्योर द डिसीज, मतलब यहाँ पर कितना भी होम रेमेडीज जो है वो अगर थोड़ी बहुत यहाँ पर कंफर्ट प्रोवाइड कर भी रहा हो लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं है
करंट मेडिसिन में कि जो यहाँ पर कोविड 19 को प्रिवेंट कर सके या फिर क्योर कर सके। इसीलिए यहाँ पर WHO जो है कोई भी सेल्फ मेडिकेशन जो है यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता है, इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स, जिससे कि जो कोविड 19 है वो प्रिवेंट हो सके। काफ़ी सेवरल जो ऑनगोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स है जिसमें वेस्टर्न और ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है कोरोना वायरस को क्योर करने के लिए। अब देखिए, डॉक्टर जो है वो डिस्करेज कर रहे हैं जो ड्रग्स रिकमेंड किए गए हैं अलग अलग प्रैक्टिशनर्स के द्वारा, अल्टरनेटिव मेडिसिन के द्वारा, कि यहाँ पर आप लीजिए, क्योंकि उसकी सेफ्टी इफ़िकेसी जो है वो हमें अभी तक पता नहीं है। अगर हम देखते हैं हाइड्रोक्सिल क्लोरीन, तो ये अगर हम देखते हैं तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा भी पुश की गई है, क्योंकि ये अगर हम लेते हैं तो थोड़ा बहुत कोरोना वायरस जो उससे हम लड़ सकते हैं ऐसा देखा गया है। तो अगर सीवियर केस होता है तो उसमें इसे रिकमेंड किया गया है, लेकिन अब भी यहाँ पर कंप्लीट कोरोना वायरस की जो मेडिसिन है वो देखने को नहीं मिली है। तो इसलिए आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी खुद के मन से कोई भी मेडिसिन मत लीजिए, डॉक्टर वहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आप यूथ हो तो आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप यूथ हो तो आपको सिर्फ क्वारंटाइन पर रखा जाता है, आपको सिर्फ 14 दिनों तक रखा जाता है। नॉर्मली जो मेडिसिन है वो आपको दी जाती है सर्दी खांसी बुखार के लिए, और फिर उसके बाद आप अच्छे भी हो जाते हो। सिर्फ जो एजेड है, जो 65 के ऊपर है, उनके लिए परेशानी होती है, और ऐसे लोग जिन्हें ऑलरेडी कोई क्रॉनिक डिसीजेस है उनके लिए प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो सकती है। तो इसीलिए आप खुद के मन से कोई भी दवाई मत लीजिए, जो डॉक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वही सिर्फ मेडिसिन जो है वो आप खुद को दीजिए। तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं जो कोविड 19 है उसने किसानों की जो मुश्किल है किस तरीके से बढ़ाई है। अभी देखिए, कल ही हमने देखा है कि जो सरकार है उन्होंने यहाँ पर जो पैकेज की घोषणा की है उसमें PM किसान के तहत जहाँ पर 6,000 रुपये प्रति वर्ष यहाँ पर किसानों को दिए जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स में, तो 2,000 का इंस्टॉलमेंट दिया जाता है। तो यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट्स बाद में दी जानी थी अब यहाँ पर पहले ही वो इंस्टॉलमेंट्स दी जा रही है, मतलब 2,000 रुपये जो है पहले ही फार्मर को दिए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कोविड 19 है उसकी वजह से बाकी जो किसानों की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। किस तरीके से बढ़ रही है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, फार्मर जो है उन्हें अभी वो हार्वेस्टिंग करनी है, अगर उन्हें ऑलरेडी हार्वेस्टिंग नहीं की है तो अभी वो हार्वेस्टिंग करेंगे, है ना। वीट बोलिए, मस्टर्ड बोलिए, चना बोलिए, मटर बोलिए, पोटैटो बोलिए, ओनियन बोलिए, गार्लिक बोलिए, जीरा बोलिए, कोरिएंडर बोलिए, फनेल बोलिए, रेड चिली बोलिए, ग्रेव्स बोलिए, मैंगो बोलिए, समर बोलिए, टोमेटो बोलिए, तो ये जो है ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पर हार्वेस्टिंग की जाएगी, है ना। अब जिस तरीके से मैं बोल रहा था ये तो ऐसा लग रहा था ना कि मतलब कोई ना कोई होटल में वेटर का काम कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जो मॉनसून रेन है वो काफ़ी अच्छा आया, जिसके वजह से हार्वेस्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से देखने को मिली, है ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हार्वेस्टिंग है वो इतनी अच्छी हुई है। लेकिन सिर्फ हार्वेस्टिंग अच्छी हुई है तो इसका ये मतलब है कि अब फार्मर के लिए पूरा निश्चिंत हो गए हैं, वो उन्हें अब पूरा पैसा जो है वो मिल जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जी नहीं, कोरोना वायरस की वजह से जो डिमांड है वो काफ़ी नीचे आ गई है। कोरोना वायरस की वजह से अब मार्केट जो है वो काफ़ी डाउन आ गया है, मतलब जो क्राइसिस आए हैं इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ रहा है। मतलब सब कुछ बंद है, मार्केट ही बंद है, तो बेचेंगे कहाँ पर। अब देखिए, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर भी ऐसा ही सिनारियो देखने को मिला था, मतलब जो फार्मर्स हैं वो अपना प्रोडक्ट बेच नहीं पा रहे थे, जो माल है वो बेच नहीं पा रहे थे। लेकिन डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर वो कम दामों में तो भी बेच पा रहे थे कि भाई जिनके पास पैसा है वो कम दामों में एटलीस्ट खरीद रहे थे। लेकिन अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि आप कोई ख़रीदने को ही तैयार नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो है वो इस सिचुएशन का हमें देखने को मिलता है, अगर हम कंपेयर भी करते हैं डीमोनेटाइजेशन के साथ। उसी के साथ साथ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो है उसका क्या होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरीके से होगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है फार्मर्स को। अब देखिए, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उन्होंने तो यहाँ पर बोला है कि जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्री प्रोडक्शन से, प्रोसेसिंग से, मार्केटिंग से, तो जो भी लेबर्स है, सर्विसेज है, उसे यहाँ पर एग्जम्प्ट कर दिया जाए, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या हो सकता है, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, कितनी सारी प्रॉब्लम जो है वो फार्मर को फेस करनी पड़ सकती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो मंडीज़ है, अगर हम मंडीज़ में देखते हैं तो सेकेंड स्टेज जो है वो मंडीज़ की आती है, जहाँ पर क्रॉप जो है वो वहाँ पर मार्केटिंग किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी लेबर जो है उसका काफ़ी शॉर्टेज देखने को मिलेगा, है ना। मतलब यहाँ पर जो अनलोडिंग करते थे, जो साफ़ सफाई करते थे, क्लीनिंग करते थे, जो बैगिंग करते थे, रीलोडिंग करते थे, ये भी लोग यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। उसी के साथ साथ जो क्राउडिंग है उसे भी यहाँ पर प्रिवेंट करना है, तो यहाँ पर एक सिनारियो ये हो सकता है कि ओवर क्राउडिंग ना करते हुए अगर यहाँ पर माल बेचा जाए तो काफ़ी अच्छा हो।
तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें रखी जा सकती है, मतलब पैनिक सेल ना हो, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्लियर कट अश्योरेंस जो है गवर्नमेंट की तरफ से वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए तो काफ़ी अच्छा हो। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। मतलब बेसिकली क्या करना चाहिए कि यहाँ पर ओवरक्राउडिंग जो है उसे यहाँ पर कम कर देना चाहिए। अब अगर हम बियॉन्ड मंडीज देखते हैं तो एक बार अगर मार्केटिंग हो जाती है तो फिर यहाँ पर बियॉन्ड दी मंडीज यहाँ पर जो माल है वो चला जाता है। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा टाइम है कि यहाँ पर इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यहाँ पर किया जाए। मतलब यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स है स्टेट्स में उन्हें यहाँ पर बोला जाए कि जो भी माल है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट में यहाँ पर पहुँचाया जाए। लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जो फार्मर्स है उन्हें तो यहाँ पर एकदम कम दामों में बेचना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो बोलने को हो गया है जो मिडल मैन है उन्हें कि आप यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कैसे करोगे, आप यहाँ पर मंडीज़ में कैसे पहुँचाओगे, आप यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग कैसे करोगे। तो इसमें जो मिडल मैन है वो बोलेगा कि भैया तुम मेरे को भेज दो, मैं पूरा का पूरा जो चीज़ें हैं वो कर लूँगा। तो फार्मर से वो एकदम सस्ते दामों में खरीदेगा और फिर यहाँ पर स्टॉक में रख के जब यहाँ पर सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा, डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, तब यहाँ पर बेचना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक नेगेटिव ड्रॉबैक जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये सारे स्टेप्स जो है वो यहाँ पर लेने चाहिए सरकार ने प्रॉपर तरीके से, जिससे कि जो फार्मर है उसकी इनकम को है यहाँ पर बढ़ाना जो है वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट जो फार्मर की इनकम है उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको पूरा जो सिनारियो है, जो मुश्किलें यहाँ पर किसानों के द्वारा फेस की जा रही है, वो अब आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं किस तरीके से जो डैमेज है उसे मिनिमाइज किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर सेवरल फैक्टर्स है जो कि यहाँ पर एनुअल आउटपुट को काफ़ी वर्स बना रहे हैं। नेशनल लॉकडाउन हो गया है 14 अप्रैल तक, और इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है ना। अब यहाँ पर एक्सटेंड अगर होता है तो और इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। ऑलरेडी यहाँ पर सरकार की तरफ से जून तक के इकोनॉमिक रिलीफ जो है वो दिए गए हैं, इसका मतलब हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये जो अप्रैल 14 है ये और बढ़ सकता है। अब पॉजिटिव साइड ये है कि गवर्नमेंट अक्रॉस दी वर्ल्ड जो है इंक्लूडिंग इन इंडिया काफ़ी सारे स्पेंडिंग प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर अनाउंस कर रही है, जिससे कि लोग जो है अपनी ज़िंदगी प्रॉपर तरीके से बिता सके। मतलब यहाँ पर उनके पास जो पैसा है वो यहाँ पर रहे, जिससे कि अगर कोई भी अनफोर्सिन उनके पास कंडीशंस आती है तो वो उससे लड़ सके। लोअर प्राइजेस जो है ऑयल के वो भी इंडियन इकोनॉमी को यहाँ पर हेल्प करेंगे। सिग्निफिकेंट मॉनिटरी ईजिंग यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक्स के द्वारा की जा रही है वो भी यहाँ पर टर्बुलेंस से लड़ने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। अब देखिए इनकम जनरेशन जो है वो यहाँ पर काफ़ी स्टॉल हो गया है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है कम्प्लीटली बंद हो गई है, तो लोग जो है उनकी इनकम यहाँ पर बंद हो गई है, तो इसलिए जो पास सेविंग्स है या फिर जो बोरोइंग्स है उस पर उन्हें निर्भर रहना पड़ रहा है। अब यहाँ पर इंडिविजुअल्स अगर आप देखोगे, फर्म्स देखोगे, गवर्नमेंट देखोगे, तो यहाँ पर अलग अलग लेवल्स पर हमें चीज़ें देखने को मिलती है। जो सैलरीड लोग हैं वो यहाँ पर कंजम्पशन अपना मेंटेन कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि फर्म जो है वो यहाँ पर जो कैश रिजर्व है या फिर जो पैसा है वो बोरो कर रही है, जिससे कि जो सैलरीज है वो पे कर सके। लेकिन अगर हम पुअर इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उनके पास कोई बफर भी नहीं है जिससे कि वो अपनी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बिता सके। लॉकडाउन की वजह से इनफॉर्मल क्रेडिट जो है वो भी यहाँ पर बंद हो गया है, जिसकी वजह से सरकार को यहाँ पर जो पैकेज है वो अनाउंस करना पड़ा, और उसमें भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके लिए यहाँ पर ज़्यादा पैसा जो है वो देखा नहीं गया। अब फर्स्ट स्टिमुलस जो है यहाँ पर अनाउंस किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि पुअर को टारगेट कर रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो बेसिक नीड्स हैं उनके वो एटलीस्ट सेटिस्फाई हो सके, इसका ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। अब देखिए जो लो पेड एम्प्लॉयज़ है स्मॉल बिजनेसेस के, जहाँ पर जॉब जो है वो काफ़ी रिस्क पर है, वो भी यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रोविडेंट फंड जो है वो सरकार ने कहा है कि पूरा 24% जो है वो सरकार के द्वारा पे किया जाएगा, जिससे कि क्या है कि जो फर्म से उस पर भी ज़्यादा प्रेशर ना आए और जो एम्प्लॉयज़ है उस पर भी ज़्यादा प्रेशर ना आए, उन्हें यहाँ पर पूरा पैसा जो है वो अपनी तरफ से मिल जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अब सब्सिक्वेंटली यहाँ पर स्टिमुलस जो अनाउंस किया गया है, यहाँ पर सर्वेबिलिटी जो है स्मॉल बिजनेसेस की उसे सपोर्ट कर सकता है, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ जो है उसे यहाँ पर थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकता है। स्मॉल फर्म जो है यहाँ पर अनसैलरीड इंडिविजुअल जो है उनको यहाँ पर पे करेगी क्या, नहीं करेगी, है ना। अगर वो यहाँ पर पे करती है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो फ़ायदा है अनसैलरीड इंडिविजुअल्स को वो यहाँ पर मिल जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर इनफ्लो जो है स्टॉप हो गया है, यहाँ पर काफ़ी चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं, और जो रेंट देना पड़ता है जिनको, जो यहाँ पर दूसरी जगह पर रह रहे हैं तो रेंट देना पड़ रहा है, तो ये यहाँ पर एक पर्सनल चीज़ है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में। तो यहाँ पर सरकार जो, उन्होंने कुछ नहीं कहा, ऐसे भी इतना कहा है कि आप जो टेनेंट्स हैं उनसे आप थोड़े दिनों के लिए जो रेंट है मत दीजिए। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चेन बनी हुई है, अगर आप स्मॉल फर्म्स को बोलोगे कि आप सैलरी जो है पे करते रहो, जितना भी पैसा है वो पे करते रहो, लेकिन उनको भी तो पैसा नहीं आ रहा है,
वो भी फिर पैसा कहाँ से पे करेंगे? तो ये भी एक प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही है पूरी जो इंडस्ट्री है वो। और इसी के चलते यहाँ पर RBI जो है उन्होंने भी जो लोन रिपेमेंट है उसके लिए यहाँ पर माफ़ी दे दी है, जो हमने पहले देखा हुआ है। तो इस तरीके सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो बेसिकली इसमें करना क्या चाहिए? बेसिकली करना यह चाहिए कि जो भी यहाँ पर रिस्क पर है, उन्हें थोड़ी बहुत सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। खासकर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो यहाँ पर काफ़ी रिस्क पर है, उन्हें यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करना चाहिए। उन्हें यहाँ पर जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो स्टेट्स है उन्हें यहाँ पर पैसा जो है वो प्रोवाइड कर देना चाहिए, कि पैसा जो है कंपेंसेशन GST का है वो प्रोवाइड कर देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिससे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी सक्षम हो जाए इस तरीके के स्टेप्स ले सके कि हर इंडिविजुअल को जिसके पास पैसा नहीं है उस इंडिविजुअल के उसके अकाउंट में कोई ना कोई पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू डाल सके। फाइनेंशियल सिस्टम में हमें बाकी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर आप बॉन्ड मार्केट देखोगे करंटली काफ़ी खराब चल रहा है ना। फॉरेन फंडिंग जो है वो यहाँ पर कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फर्म जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्हें सपोर्ट देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है उन्हें यहाँ पर चीज़ें करनी चाहिए। अब देखिए, अगर गवर्नमेंट भी यहाँ पर खर्च करे तो क्या उनके पास भी फिस्कल स्पेस है? तो ये भी हमें नहीं भूलना है कि गवर्नमेंट के पास जो यहाँ पर पैसा आता है डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू जो आ रहा है वो भी काफ़ी लो है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू आ रहा है वो भी काफ़ी लो है। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर बॉन्ड्स बाय कर सकती है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मनी प्रिंट करना शुरू कर दे, अगर हम बोले कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने पैसा जो है वो प्रिंट करना चाहिए और लोगों के हाथों में बांटना चाहिए, तो देखिए ऐसा जब होता है तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। और इसकी वजह से क्या होती है, हमारी जो करेंसी काफ़ी डिप्रिशिएट हो जाती है, करेंसी काफ़ी वीक हो जाती है। ऑलरेडी हमारी करेंसी 76 के ऊपर जा चुकी है। ऐसे सिनारियों में ये सब कुछ होना और ख़तरा हो सकता है। तो इसीलिए ये सारे सिनारियों, ये सारे पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके मन में ये डाउट हो कि क्यों छापती नहीं है और यहाँ पर ये कर दे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखिए, यहाँ पर जब हम वर्ल्ड न्यूज़ की बात करते हैं, इकोनॉमिक न्यूज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो US है वहाँ पर मोस्ट इन्फेक्शन देखने को मिले हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा है। अब यहाँ पर चाइना, USA ये यहाँ पर साथ में आना चाहिए ऐसा कहा गया, कि जिससे कि यहाँ पर वायरस जो है फाइट किया जा सके। अब देखिए, USA जो है उन्हें ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि जो USA है डोनाल्ड ट्रंप है, उनके इलेक्शंस आ रहे हैं। अब वहाँ पर उन्होंने 4 साल से काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का स्लोगन जो है वो बढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर जो भी 4 साल की उनकी मेहनत थी वो पूरी क्रैश हो गई है, पूरा सेंसेक्स क्रैश हो गया है। इसकी वजह से वो थोड़े से पगलाए भी गए हैं, इसलिए वो यहाँ पर जो चाइना है उसे काफ़ी कोस भी रहे हैं, है ना। ये सारी सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ जो बोरिस जॉनसन है उन्हें भी यहाँ पर वायरस हो गया है, ये भी हमने यहाँ पर देखा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमें एट प्रेजेंट देखने को मिल रही है। अब देखिए, अगर हम मैप बेस्ड एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रॉकी माउंटेन है, जो मैंने आपसे यहाँ पर पूछा था। तो ये है रॉकी माउंटेन्स, और उसी के साथ साथ इसके रिगार्डिंग मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन जो है आपने ज़रूर लिखी होगी। तो ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।